गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में अपने डेली इंपॉर्टेंट बुलेट्स कवर करेंगे 26 एंड 27 मई का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 2020 वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अदर स्टेट विल नाउ हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम विच स्टेट बिफोर एंगेजिंग वर्कर ऑफ द स्टेट। अन्य राज्य को अब यूपी के मजदूर को काम पर रखने से पहले यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे क्या है कि मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मजदूर को जब चाहे नौकरी से हटा दे। यूपी का कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। विच एजुकेशन बोर्ड हैज लॉन्च ए साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12। कौन सा बोर्ड है जो कि कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक साइबर सुरक्षा पुलिस पुस्तक लॉन्च की है? तो वो है सीबीएसई। सीबीएसई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं मनोज आहूजा, और पहले कौन था? अनिता कारवाल। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज पार्टनर विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस एंड हैज लॉन्च बाय नाउ पे लेटर ऑफर। तो कौन सी भारत की गाड़ियों की कंपनी है जो कि चोलामंडलम के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर स्कीम शुरू की है? तो वो है मारुति सुजुकी। अभी खरीद लो पैसे बाद में देना, ये स्कीम शुरू की है मारुति सुजुकी। मारुति जो कि भारत की कंपनी है, सुजुकी जापान की है। मारुति सुजुकी के सीईओ कौन है? केनिजी आयुकावा। केनिजी आयुकावा सीईओ है मारुति सुजुकी के। एंड चोलामंडलम कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और गूगल क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रही है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रास की आईटी कंपनी है। विच स्टेट हैज अकॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है मिजोरम की सरकार द्वारा। मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा एंड गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई एंड कैपिटल है ऐज़वाल। मिजोरम का एक त्यौहार है चाप चारकोट जो कि मिजोरम के ट्राइब मनाते हैं। रायला सीमा लिफ्ट स्कीम इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। रायला सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना ये आंध्र प्रदेश की योजना है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी एंड गवर्नर है विश्वभूषण। इनके पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। एंड आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, एक स्कीम भी स्टार्ट की थी आंध्र प्रदेश ने वाईएसआर निर्माण। यहाँ पर हाथियों का एक ही रिजर्व है जिसका नाम है रायला एलिफेंट रिजर्व। आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि लॉर्ड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी या रामेश्वरम, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागर अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश के तीन कैपिटल है, न्यायिक कैपिटल है कुरनूल में, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम में एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती में। विच स्टेट विल फॉर्म ए माइग्रेंट कमीशन टू आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम। कौन से राज्य सरकार राज्यों में लौटे प्रवासी के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए माइग्रेंट कमीशन स्थापित करेगी? तो वो है यूपी। माइग्रेंट कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। और प्रवासी राहत मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया था यूपी सरकार ने, कवच भी लॉन्च किया था यूपी ने। कैपिटल है यूपी का लखनऊ, यहाँ पर पीलभीत अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये सब यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है थ्रॉट में जो कि प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन जिसको T3 भी बोलते हैं, और ट्रायोडो थायरोनिन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको T4 बोलते हैं। इंडियन नेवी फॉर्म ब्रेथेबल PPT किट जिसका नाम है नवरक्षा, तो किसने बनाया है? इंडियन नेवी ने बनाया है। ये किट कंफर्टेबल होगा हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो COVID-19 पेंडेमिक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। टेनिस स्टार जैमी हैप्टन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच कंट्री?
तो ये कौन से कंट्री से है? ये अमेरिका से है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली हैड वोन हाउ मेनी ओलंपिक गोल्ड मेडल। हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह जिनका निधन हो गया है, इसने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो इन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, एक 1948 के ओलंपिक में, 1952 एंड 1956, तीनों लगातार जीते थे। ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिसे पद्मश्री सम्मान मिला था। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर है लॉजन स्विट्जरलैंड में, और जिनके प्रेसिडेंट है नरेंद्र ध्रुपत्रा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।